के रूप में जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए एक बार जोरदार ताड़ियों से उनका मान सम्मान करने का काम करें। और जैसा कि मैं पहले भी कह के गई थी कि ये जो अपना धरना है ये जीत तो निश्चित है ही, क्योंकि जहाँ पे इतनी संख्या में, भारी संख्या में मातृशक्ति जहाँ पे बैठ जाए फिर तो सरकार के भी वही बात कब्बू सोता रहता नहीं। तो मातृशक्ति जो है ये हमारी, जिसने आंदोलन में भी, जैसे अभी तय कंडेला वाली का जिक्र होया, मातृशक्ति की ही वो ताकत थी जिन्होंने इतनी भारी संख्या में आंदोलन के अंदर हिस्सेदारी करके इस सरकार को समझाने का और वो काले कानून वापस लेने का काम किया था। तो ये जीत अपनी निश्चित है, बस ये सरकार जो है ये प्रताड़ित करना चाहती है जनता को, जनता को सड़कों पर बिठाना चाहती है। तो कोई बात नहीं, हम भी बैठेंगे, जितने दिन बिठाएंगे उतने दिन बैठेंगे। तो पूरे गांव खेदड़ को मैं धन्यवाद करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ कि आप इतना शानदार धरना चला रहे हो। एक नारा मैं लगाऊंगी गांव खेदड़ के लिए, गांव खेदड़ जिंदाबाद, गांव खेदड़ जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन रमन। धन्यवाद बहन। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में ताई कंडेला बैठी उनसे कि वो आए और अपनी बात रखें। उससे पहले बहन सुनैना चौटाला के साथ में सुरेश गिल जी, सतबीर सिसाई प्रधान इनेलो, राजू तलवंडी जी इनेलो, रोहित छिल्लर जी हमारे बीच में पहुंचे और हेमंत शर्मा, तमाम साथियों का, तमाम इनका किताबों का धन्यवाद करते हुए ताई कंडेला आपके बीच में।